देखिए, मैं जो है पारसी की बीए हूँ, मुंशी पागल कहते हैं जिसे, तो शायरी में बहर उदन होना जरूरी है। तो जब भी वो कोई नई नज्म लिखते थे तो मुझे सुनाते थे कि देखिए वजन बराबर है या नहीं। तो मैं अगर वजन बराबर नहीं होता तो मैं उसे दुरुस्त कर देती थी। फन शायरी में आपसे भी काफी मदद हासिल की सुलेमान खतीब साहब ने। जी हाँ, सबसे पहले मुझे सुनाते थे वो, जो भी नई नज्म लिखते मुझे सबसे पहले सुनाते थे। क्या खतीब साहब शादी से पहले ही शायरी शुरू कर चुके थे या फिर शादी के बाद उन्होंने इसमें कदम रखा? शादी से पहले तो शायरी शुरू कर चुके थे, मगर ज्यादातर वो शादी के बाद लिखने लगे। इनकी शोहरत की जो शुरुआत है इनकी, वो कब से शुरू हुई है? आपकी शोहरत बताएंगे इस बारे में? देखिए 1962 से उनकी शोहरत शुरू हुई, जबकि वो पहली तारीख लिखे। सुलेमान खतीब साहब को अल्लाह पाक ने 5 लड़कियां और 5 लड़के अता किए। उनके तमाम फर्जंदान समेत एक दुख्तर अमेरिका में सुकूनत पजीर हैं, जबकि एक दुख्तर डॉक्टर शमीम सुरैया बीबी रजा डिग्री कॉलेज गुलबर्गा में प्रिंसिपाल की खिदमात अंजाम दे रही हैं। दरहकीकत हमारे ज़माने में लड़कियों को 10वीं जमात के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता था, और मेरी जो आला तालीम हुई वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश की बिना पर हुई, कि उन्होंने गुलबर्गा में ख्वातीन का कॉलेज ना होने के बावजूद मुझे हैदराबाद भेजकर वहाँ के ख्वातीन के कॉलेज में मुझे शरीक करवा के मुझे तालीम दिलाई। और वो चाहते थे कि ना सिर्फ मैं ग्रेजुएशन करूँ बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, तो उन्हीं के ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और फिर जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो कहने लगे कि रिसर्च करना चाहिए, PhD करना चाहिए। तो ये उनकी ख्वाहिश थी जो उनके इंतकाल के बाद मैंने पूरी की। जब मैंने BA किया तो शायद मैं अपने ख़ानदान की पहली ग्रेजुएट लड़की थी, तो उन्होंने एक बड़ी दावत रखी थी कि मेरी बच्ची ग्रेजुएट हो गई है। और फिर उसके बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो भी वो बेइंतहा मसरूर थे, और मैं उनका वो बोसा अपनी पेशानी पर आज भी महसूस करती हूँ जब उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर मेरी पेशानी को चूमा था। वो जो है ना सिर्फ अच्छे शायर थे बल्कि मेरे एक अच्छे इंसान भी थे, अच्छे वालिद भी थे, अच्छी तरबियत दी हमें। और कोई एक मुख्तसर सा वाकया आप सुना सकते हैं जिसको आप कभी नहीं भुला सकते, आपके वालिद साहब का मुख्तसर सा? वो बाद वक्त स्कूल छूटने पर अचानक आ जाते थे और हम तो लेने आ जाते थे, रक्षा वाले को बोलते थे कि आज जो है तुम मत लेके जाओ, मैं जो है बच्चों को लेके जाऊंगा। तो ये बड़ी खुशी की बात होती थी जब वालिद साहब खुद स्कूल पे आ रहे हैं और हमें ले जा रहे हैं, हालांकि इतनी मसरूफियात के बाद भी वो वक्त निकालते थे। सुलेमान खतीब 1941 से 1977 यानी वजीफा हुस्न खिदमत पर सुकुब्दोश होने तक फिल्टर बेड पर कार गुजार रहे। शुमाली हिंद में जहां दखनी जुबान नामानूस है, उन्होंने अपनी शायरी के झंडे गाड़ दिए। वो कश्मीर और दिल्ली में एक साथ मकबूल हुए। सुलेमान खतीब उन नामोर शोरा में नुमाया हैसियत रखते हैं जिन्होंने कुल हिंद बुनियादों पर मुशायरा पढ़ा है और कामयाब रहे हैं। सुलेमान खतीब गो तहतुल लफ्ज पढ़ा करते थे, लेकिन उनके सुनाने का अपना एक मखसूस अंदाज इतना तीखा, दिल पजीर और फितरी होता कि सामाइन बार बार उन्हें सुनना चाहते और मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते थे। खतीब साहब ने श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, पटना, मद्रास, बेंगलोर और हैदराबाद के अलावा और कई छोटे बड़े मुकामात पर कुल हिंद मुशायरों में शिरकत की
और कामयाबी के झंडे गाढ़े। उनकी मकबूलियत का आगाज हैदराबाद के अदबी ट्रस्ट और जिंदा दिलान के मुशायरों से 1960 ईस्वी से शुरू होता है। तकरीबन तमाम जराए अबलाग ने आपके कलाम को पेश किया, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो धारवाड़, हैदराबाद और ऑल इंडिया रेडियो गुलबर्गा खुसूसन नज़में सास बहू और पहली तारीख को कई बार पेश किया गया और ये काफी मकबूल भी रहे। उसी जमाने में आपको कर्नाटका हिंदी प्रचार सभा का सदर बनाया गया और फिल्म मजे ले लो में उन्हें पर्दे पर कलाम सुनाते हुए भी दिखाया गया। आपके कमालात शायरी के एतराफ में सन 1964 में बज़्मे उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्गा ने खतीब नंबर शाया किया। जिंदा दिलान हैदराबाद के महाना तर्जुमान शगुफा ने दिसंबर सन 1975 के पहले हफ्ते में सुलेमान खतीब नंबर के जरिए दकनी के उस मुनफरिद शायर को खिराज तहसीन पेश किया। एचएमवी कंपनी ने उनकी मनखबतों के रिकॉर्ड जारी किए। कश्मीर टेलीविजन से सन 1974 में उनकी नज़में टेलीकास्ट की गईं। चकल्स ने उनके मजाया कलाम का कैसेट भी बनाया। हजरत सुलेमान खतीब से 1963 से मेरी मुलाकातें रही हैं। साबिक में भी मेरी इदारत में गुलबर्गा से शाया होने वाले रोजनामा सलामती में मुख्तलिफ मौक़ों पर उनका कलाम शाया होता रहा है। इसके अलावा जश्न खतीब के मौके पर सलामती लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम गुलबर्गा की जानिब से भी उन्हें तहनियत पेश की गई थी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू नशरियात के लिए मैंने हजरत खतीब पर जो फीचर तैयार किया था वो ऑल इंडिया रेडियो गुलबर्गा, धारवाड़, बेंगलुर और मुल्क के दीगर रेडियो स्टेशनों से नशर होता रहा है। हजरत सुलेमान खतीब का दक्कनी कलाम अरसे दराज तक याद रखा जाएगा। आपसे सुलेमान खतीब साहब की शख्सियत और फन के बारे में जानना चाहता था। आज से कोई 30-35 साल पहले की बात है। मैं ये कहने में कोई दो राय नहीं रखता कि हर मुशायरे में सुलेमान खतीब का होना लाजमी बनता है। ये बात इसलिए थी कि वो अपने मैदान में एक मुनफरिद मुकाम रखते थे और जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में तंज के साथ साथ मिजाह को मिलाकर शायरी पेश करने का अंदाज सुलेमान खतीब में बहुत ही मुनफरिद तौर पर पाया गया था और यही वजह थी कि हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले सारे मुशायरों में सुलेमान खतीब का रहना लाजमी बात बन गया था और यही वजह है कि सामईन भी इस बात के मुंतजर रहते थे कि हर मुशायरे के आखिर में एक ऐसे शायर को सुने जो तंज व मिजाज के लिए साथ साथ एक ऐसी क्रिटिक पेश करे जो सारे समाज के लिए एक सबक आमोज हैसियत रखता हो। ये फन मैं समझता हूँ कि सुलेमान खतीब में कूट कूट कर भरा था, जिसकी वजह से वो अपना एक मुमताज मुकाम रखते थे। जहाँ सुलेमान खतीब रहते थे, जाहिद अली खान भी रहते थे। ये इस वजह से थी कि सुलेमान खतीब साहब के ताल्लुकात न सिर्फ आबिद अली खान और महबूब हुसैन जिगर के साथ थे, बल्कि उनके ताल्लुकात गुलबर्गा ही के मोहम्मद अली साहब जो वज़ीर भी रहे हैं उनसे बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे और इसी वजह से ये सारे लोग एक जगह जमा रहते थे
اور مشاعرے میں محمد علی صاحب بھی اکثر ان مشاعروں کی سرپرستی کرتے تھے جس میں حصہ سلیمان خطیب موجود رہتے تھے. سر چلتے چلتے کیا ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی ایک ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے خطیب صاحب کے ساتھ کہ جس کو آپ کبھی نہیں بھلا سکتے, ایسا کچھ واقعہ؟ سر واقعہ تو یہ ہے کہ محمد علی صاحب جب بھی وزیر رہے اور جب بھی وہ کانگریس کے پریسیڈنٹ رہے کرناٹکا کے, حیدرآباد آتے تھے تو ہمارے گھر ان کا کھانا رہتا تھا. محمد علی صاحب جب بھی حیدرآباد آتے تھے گلبرگے سے سلیمان خطیب بھی چلے آتے تھے, اور ایک ایسی محفل ہمارے گھر میں جمتی تھی جس میں ہر وقت یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک برجستہ چھوٹی سی نظم پیش کریں. اور سلیمان خطیب میں یہ ہنر تھا کہ جب بھی کسی موضوع پر انہیں ان کو موضوع دیا جاتا تھا تو وہ فوری اس پر کچھ نہ کچھ شعر ضرور سناتے تھے. یہ ان کی ایک ایسی بات تھی جو خدا داد تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر شاعر میں ہونا اس کا بہت ہی مشکل ہے.